प्यारे बच्चों, आज हम आपको ड्राई एयर के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? शुष्क हवा, शुष्क वायु, शुष्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्राई एयर। हमने ये बॉक्स में लिखी है, दिखाई दे रही है सबको। अब आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि ड्राई एयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें? आपको तो ये मालूम है कि यानी केवल ये एयर है, वायु है, पता है? तो देखो, ड्राई एयर में एक गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.9%। दूसरी गैस होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? जो होती है 78%। कितनी होती है? तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.03%। अगर 0.03% से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ जाएगी, वैसे वैसे क्या होगी, हमारे वातावरण में गर्मी भी बढ़ती जाती है। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर ही गर्मी ज्यादा पड़ती है। चौथी गैस होती है इसमें आर्गन। क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है 0.90%। सबको मिला के हो जाएगा तुम्हारा 100%। कितना हो जाएगा? अब ड्राई एयर के बारे में समझ गए, इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। इसके बाद ये ड्राई गैस या सॉरी ड्राई एयर किस किस में इस्तेमाल होती है, इसका प्रयोग क्या क्या है, वो देखो। इधर देखो चार्ट, ये चार्ट बना है, इसका यूज बता रहे हैं। यूज ऑफ एयर, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए। सबसे पहले ब्रीथिंग, सांस लेने में। सांस आग जला रहे हो तुम, चूल्हे में देखा होगा तुमने, फुकनी से फूकते हैं, हवा ही तो जाती है, एयर ही तो जाती है। जब एयर जाती है तभी आग जलती है, तो आग जलाने में भी एयर का इस्तेमाल। तीसरी होती है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एयर से ही फर्टिलाइजर बनाया जाता है, फर्टिलाइजर बनाने में भी एयर का काम होता है। चौथा है फोटोसिंथेसिस। क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन